सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, आज हम लोग देख रहे हैं महिला पर्यवेक्षक में जो पूछे गए थे क्वेश्चन, उसके आंसर की। अब तक हमने मैथ्स और इंग्लिश का क्वेश्चन देख लिया है, अभी हम लोग देखने वाले हैं सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान। तो इसके क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 15 क्वेश्चन है, उसके हम लोग आंसर देखेंगे। हम लोग वन बाई वन देख रहे हैं ताकि कोई भी आंसर हम आपको गलत ना बताएं। तो चलिए देख लेते हैं हम इसका आंसर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 था जो आपके हिंदी के टॉपिक में पूछा गया था, शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो इसमें अभिषेक शब्द दिया गया है, तो ये जो ऑप्शन बी है आपका अभिषेक, ये वाला शुद्ध शब्द है। आगे देखिए 62 नंबर का, शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसने उसके गले में फूलों की एक माला डाली। तो ये आपका दो यहाँ पर सही हो गया। तीसरा देखते हैं हिंदी में, इनमें से कौन सा शब्द देशा शब्द नहीं है। तो कनिस्तर, ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, देशा शब्द नहीं है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, जो 64 नंबर पर है, अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देखिए, अतिथि का पर्यायवाची शब्द है अभ्यागत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, फिर पूछा गया था दुर्गेश में कौन सी संधि है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, गुड़ स्वर संधि, दुर्गेश शब्द में गुड़ स्वर संधि है। इसके बाद देखिए 66 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से तत्सम शब्द नहीं है। तो अंगूठी जो है वो क्या है, तत्सम शब्द नहीं है, जो ये चार दिया गया है उनमें से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पर देखिए ऊ का उच्चारण स्थान क्या है। तो हमें बताना था कि उच्चारण जो हो रहा है ऊ और ऊ का, वो कहाँ से हो रहा है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओष्टव्य से। ओष्टव्य मतलब आपके होंठ के द्वारा इसका उच्चारण हो रहा है। जब आप वर्तनी पढ़ेंगे तब उसमें आप देखेंगे कि ये सभी वर्णों का उच्चारण बताया गया है उसमें। अब बात करते हैं हम लोग 68 नंबर के क्वेश्चन का, नवरात्र में कौन सा समास है। तो देखिए, नवरात्र शब्द में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिगु समास है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, नौ नौ जो है आपका संख्यात्मक वर्ड हो गया, इस कारण दिगु समास है। आगे इसी में देखते हैं हम लोग 69 नंबर का क्वेश्चन, देखिए वाक्य का आवश्यक तत्व नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी, योग्यता जो है वाक्य का आवश्यक तत्व नहीं है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 70, शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से आशीर्वाद शब्द दिया गया है, और आशीर्वाद जो है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही है, शुद्ध है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे इसी में हम लोग देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के जो क्वेश्चन थे उसके आंसर क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, छत्तीसगढ़ी शब्द खास का हिंदी अनुवाद है। तो ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट, विशिष्ट जो है छत्तीसगढ़ी शब्द खास का हिंदी अनुवाद है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा की लोक गाथा फूलबासन में किसकी कथा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, सीता और लक्ष्मण का। जब आप फूलबासन की कथा सुनेंगे तो उसमें सीता और लक्ष्मण का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं फिर है क्वेश्चन नंबर 73, छत्तीसगढ़ी का प्रारंभिक लिखित रूप कब से माना जाता है। तो देखिए, सन 1703 से, ऑप्शन नंबर डी, सन 1703 से छत्तीसगढ़ी का प्रारंभिक लिखित रूप माना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग इसी में क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, पश्चिमी छत्तीसगढ़ी किससे प्रभावित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आपका, बुंदेली और मराठी से, बुंदेली और मराठी इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी छत्तीसगढ़ी के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, हिंदी शब्द संयोजक का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद होगा। अब देखिए, संयोजक का जो छत्तीसगढ़ी में अनुवाद होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, जोरैया, ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो देखिए, हमने छोटे छोटे वीडियो में करके आपका मैथ्स भी देख लिया, इंग्लिश भी देख लिया और आपके हिंदी और छत्तीसगढ़ी के भी क्वेश्चन देख लिए महिला परीक्षक एग्जाम के। अगर आपने मैथ्स का क्वेश्चन का आंसर की नहीं देखा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में आपको मैथ्स का आंसर की मिल जाएगा। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैथ्स का, इंग्लिश का दोनों का आंसर की मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, बाकी जो आपका आंसर की बच गया है, जो क्वेश्चन बच गए हैं, उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।